हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एंजल मैथ्स कंपटीशन। फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करेंगे अंकित बाड़ी सर की बुक एंड राहुल तेवतिया सर की बुक कंप्लीट मैथमेटिक्स, और ये लेटेस्ट बुक है। इस बुक के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपको चैप्टर वाइज वन बाय वन बहुत ही जबरदस्त टेक्निक से कराया जाएगा, और सभी क्वेश्चनों को सोल्व करने का हमारा एक ही तरीका है जो कि आपके सामने ये लिखा हुआ है। इसको आप ध्यान से समझ लीजिए, आपका हर क्वेश्चन बिल्कुल आसान हो जाएगा। आपके सामने मैंने ये लिखा है कि मैथ्स का जो सॉल्यूशन है वो दुनिया में केवल दो ही टाइप से होता है। देख लीजिए, आपके सामने लिखा हुआ है मैथ का हर क्वेश्चन केवल इन्हीं पॉइंटों से होकर गुजरेगा। केवल दो तरीके से हर मैथ का क्वेश्चन का सॉल्यूशन होता है, और 90% ये वाला कॉन्सेप्ट लगता है, संख्या के बराबर रेशो या परसेंट आएगा, और 10% में ये वाला चलेगा, संख्या पर ही मल्टीपल के रूप में रेशो या परसेंट चलेगा। तो कोई भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन जब आप करेंगे तो इसी फॉर्म में करेंगे, और इसको करने का जबरदस्त तरीका इक्वल टू इक्वल वाला, इसका कॉन्सेप्ट है ये। इक्वल टू इक्वल यानी दोनों साइड आपस में बराबर करने के बाद हमारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन आसान हो जाता है। जैसे एक साइड में संख्या, दूसरी साइड में रेशो या परसेंट किस फॉर्म में होगी, ये सब क्वेश्चन ही बताएगा आपको। ये सब क्वेश्चन ही बताएगा कि योग बराबर योग है, अंतर बराबर अंतर करना है हमें, कम बराबर कम, अधिक बराबर अधिक, गुणनफल बराबर गुणनफल, शेष बराबर शेष, पास बराबर पास, बचत बराबर बचत आदि। इस तरह के जो कॉन्सेप्ट है क्वेश्चन की लैंग्वेज में और टैक्स जो आएंगे वे सब क्वेश्चन ही बताएगा। उसके अकॉर्डिंग ही हम इसको आसान करके इक्वल टू इक्वल फॉर्म में क्वेश्चन फिनिश करेंगे। तो फ्रेंड्स, जो बात मैंने आपको बताई है इसके अकॉर्डिंग ही मैं इस चैप्टर के सारे क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपके सामने रख दूंगा। जैसे कि चैप्टर नंबर 9 आज हम स्टार्ट कर रहे हैं बहुत ही जबरदस्त और खतरनाक तरीके से। परसेंटेज इस टॉपिक से रिलेटेड हर एक क्वेश्चन इस बुक का फिनिश हो जाएगा बहुत इजी और आसान टेक्निक से। अगर आपको मैथ में महारत हासिल करनी है तो ये चैप्टर को बहुत अच्छी तरीके से देखें, और मालूम हो जाएगा कि रियल में आपको कुछ सॉल्यूशन मिला है खतरनाक जबरदस्त, और आपका मैथ बिल्कुल आसान और बिल्कुल ईजी हो जाएगा, ये हमारी गारंटी है। और हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि आपका हर क्वेश्चन बिल्कुल ईजी और आसान बनेगा। तो चलिए फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए इस बुक से रिलेटेड ये पहला क्वेश्चन लिया है हमने, इसके बाद सेकंड, इसके बाद थर्ड, वन बाय वन आपको क्वेश्चन बाय क्वेश्चन कराया जाएगा। 64/25 को प्रतिशत में परिवर्तित कीजिए। जैसे कि आप परसेंट के बारे में जानते हो कि परसेंट किसी भी फ्रैक्शन नंबर को या साधारण संख्या को या डेसिमल नंबर को परसेंट में बदलना होता है तो 100 से गुणा परसेंट का चिन्ह लगा देते हैं। ऑल ओवर इंडिया में जो भी क्वेश्चन आपको परसेंट का दिखाई दे उसको परसेंट में बदलना है तो 100 से गुणा परसेंट का चिन्ह लगाइए, सेकेंडों में क्वेश्चन फिनिश कीजिए। चलिए हो जाएगा, देखिए मैंने लिखा 64/25 और मुझे परसेंट में बदलना है इसको 100 से गुणा परसेंट का चिन्ह, वेरी इजी। 25 चौका 100, 64 चौका 256%, ये आ गया हमारे क्वेश्चन का आंसर, 64 चौका 256%, ये रहा, लीजिए खत्म हो गया, कुछ भी नहीं है। 256 ऑप्शन बी इज राइट आंसर, ये रहा हमारा जवाब। अब सेकंड क्वेश्चन भी पूछा है कि बताइए 9/40 को परसेंट में कैसे एक्सप्लेन किया जाएगा, तो मैंने बताया है 9/40 परसेंट में कन्वर्ट करना है 100 से गुणा परसेंट का चिन्ह। अब हम इसको आसानी से करेंगे, देखिए 20 × 2 = 40 और 20 × 5 = 100 और 9 × 5 = 45/2 करेंगे तो 22.5% बन जाता है। चलिए देख लीजिए, ये आ गया हमारा 22.5%, फिनिश क्वेश्चन, ईजी, बिल्कुल ईजी, बिल्कुल आसान, वेरी सिंपल, बहुत ईजी, ऑप्शन डी इज राइट आंसर आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 3, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 को हम कितना इजी और कितना आसान बनाएंगे, और क्वेश्चन नंबर 4 भी आपके लिए बिल्कुल इजी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स देखिए, मैथ अगर सीखना है तो ऐसे सीखिए, अगर आपको टॉप बनना है तो आप मैथ के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन केवल क्वेश्चन की लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल से कीजिए और मैथ फिनिश। देखो अगर आप इधर उधर से कोई भी एक्स वाई जेड या सूत्र ट्रिक लगाकर क्वेश्चनों को सोल्व करोगे तो इसका मतलब बस आप क्वेश्चनों को रट्टा मारते हो, केवल आप क्वेश्चनों को रटते हो, रटने से आप ज्यादा जबरदस्त खतरनाक नहीं बनेंगे। अगर आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज और ये इक्वल टू इक्वल कॉन्सेप्ट सेट हो जाए आपके माइंड में तो मैथ बिल्कुल ईजी है, इसके लिए कोई चीज रटने की आवश्यकता नहीं है, कुछ भी नहीं करना है। देखिए जैसे जैसे क्वेश्चन कहता है, मैंने आपको एक बात बताई है कि मैथ के क्वेश्चनों में क्वेश्चन अपने आप बताता है क्या करना है,
बस उसकी लैंग्वेज को समझो, वो खुद बताएगा, अपने आप स्वयं बोलता है सवाल, स्वयं बताता है कि क्या करना, बस उसको समझिए और क्वेश्चन फिनिश, बस ये है मैथ। अब आप इसको बड़ा बहुत बड़ा पहाड़ जैसा बना देते हो तो इसलिए प्रॉब्लम आती है। अब देखिए 124 का कितना परसेंट 49.60 है, ये बताना है हमें। देखिए 124 का कितना परसेंट, ये हो गया 124 का कितना परसेंट बराबर है, इक्वल टू इक्वल लग गया यहां पर, ये रहा। देखिए 124 का कितना परसेंट बराबर इतने के है, तो हो गया इक्वल टू इक्वल। एक साइड में संख्या ये आ गई, संख्या दूसरी साइड में परसेंट आ गया, देखिए खत्म। अब मैंने क्या करा, परसेंट से 2 दशमलव हटा दिए मैंने, 2 अंक छोड़कर है ना ये, तो इस परसेंट का मतलब 100 होता है, 100 की गुणा जाएगी तो 20 से 2 दशमलव हट जाएगी, फिनिश। अब देखो 12 चौक 48, 4 चौक 16, 4 बार काटा मैंने इससे इसको, और एक ये 0 बची हुई है ये लिख दिया, तो कितना आ गया ये 40% आ गया ये, बस फिनिश हो गया हमारे क्वेश्चन का आंसर। चलिए देख लीजिए क्या कमान, 40% ऑप्शन डी, बस इतना ही करना है आपको। नेक्स्ट देखेंगे ए बी से 25% अधिक है और बी सी से 40% कम है, यदि सी डी से 20% अधिक है तो ए डी से कितना परसेंट कम है। देखिए जब 3-4 बंदे आपस में आ जाते हैं, वे एक दूसरे से कंपेयर करते हैं, तो हमेशा हमेशा के लिए बता रहा हूं मैं, पीछे की ओर से कंपेयर करते हुए आगे तक आ जाते हैं, तो कभी कोई दिक्कत नहीं होगी, एक लाइन में ही कंपेयर कंप्लीट हो जाएगी, क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। बस ये वाला कंसेप्ट यूज रखो, कैसे, जैसे कि उसने बताया ए बी सी डी 4 बंदे हैं, ए बी से कह रहा, बी सी से, सी डी से कंपेयर कर रहा, तो हम पीछे से आएंगे सी डी से और बी सी से और ए बी से, ऐसे पीछे की ओर से कंपेयर कीजिए, सवाल फिनिश। देखिए ए बी सी ये 4 बंदे हैं, ए बी सी डी मैंने बताया आप पीछे की ओर से, यानी कि डी और सी से क्वेश्चन सोल्व करेंगे ऐसे, ये रहा यहाँ पर, ये तो पूछा है ए डी से कितना परसेंट कम है, हमें सवाल यहाँ से लेना, सी डी से 20% अधिक है, देखिए सी डी से 20% अधिक हो गया, ये 100 है तो ये 20% अधिक हो गया, बस ये वाला पॉइंट क्लियर। अब आगे बोल रहा है ये बी सी से 40% कम है, ये वाला मतलब इससे 40% कम है, तो बी जो है सी का 60% रह जाता है, जब 40% कम है तो 60 रह गया, तो 120 का 60% होता है 72 हो गया ये, भैया आप 120 का 60% देखो निकाल कर, ऐसे 120 का 60% आप निकालिए, परसेंट से 20 72 है ये, फिनिश। मैंने आपको बताया है 72 है ये। अब आगे आ जाइए यहाँ, ए बी से 25% अधिक है, इससे ये वाला ए 25% अधिक है, 25% का मतलब हो गया एक चौथाई का मतलब हो गया 18 ज्यादा है इससे, देखिए 72 का एक चौथाई होता है 18, इससे 18 ज्यादा है इससे, तो 72 में 18 जोड़ेंगे 90 हो जाता है, लीजिए खत्म फिनिश। समझ लीजिए ए डी से कितना परसेंट कम है इससे, देखिए ए डी से कितना परसेंट कम है, 10% कम है, 100 के अकॉर्डिंग देख लीजिए, ये 100 है तो ये 90, तो मीन्स 10% कम है, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। देखिए कितना इजी क्वेश्चन का सॉल्यूशन बन गया है, बहुत इजी, और ऐसे ही बनते हैं इस टाइप के क्वेश्चन अगर आप चाहे तो। क्वेश्चन नंबर 5, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने बहुत ही बेस्ट और खतरनाक तरीके से सोल्व कराया जाएगा, देखिए कैसे होता है, क्वेश्चन को समझो और क्वेश्चन में ही खुद कहता है, अपने आप ही बताता है क्या करना है, बस वो कर दीजिए, क्वेश्चन का आंसर आपके सामने आ जाएगा, बस ये मैथ है आपके लिए, इतना ही है और इतने से ही आपके क्वेश्चनों का सोल्यूशन आ जाता है। मैं भी ऐसे ही करता हूं, आप देख लीजिए। एक विद्यालय के पुस्तकालय में गणित, भौतिक और रसायन विज्ञान 3 सब्जेक्ट है और उनमें उनकी पुस्तकों की संख्या दर्शाई है 8-5-9 के अनुपात में, 8-5-9 के अनुपात में दर्शाई गई है, और इन पुस्तकों में क्रम से 10%, 5% की वृद्धि करने के बाद पुस्तकों की संख्या का अनुपात बताना है। देखिए बहुत सिंपल, देखो 8 पर इन परिदो इन पुस्तकों की संख्या पर ही तो वृद्धि की है, पहली 10% वृद्धि की है, तो 8 का 10% 0.8 हो जाता है, तो 8
आठ का 10% पॉइंट आठ बढ़ गया, तो आठ में पॉइंट आठ जोड़ दीजिए, आठ पॉइंट आठ हो गया, पहला पॉइंट क्लियर कदम। नेक्स्ट पांच पर 5% बढ़ा दीजिए, पांच पर 5% हो गया पॉइंट दो पांच, पांच पंजे 25.25, तो पांच में पॉइंट दो पांच जोड़ दीजिए, 5.25 हो जाता है। अब 9 का 5% होता है 0.45, 9 पंजे 45.45, लीजिए देख लीजिए कैसे होता है, 5 9 45 सौ से भाग गया होगा 0.45, तो 4.5 जोड़ दीजिए पॉइंट इसमें, तो 9.45 हो जाता है। लीजिए और यहां पर इनका रेशो बनाना है, बस देखिए फिनिश, क्वेश्चन फिनिश हो गया। क्वेश्चन ने खुद कहा मुझे, मैंने कुछ नहीं किया अपनी ओर से, मुझे क्वेश्चन ने खुद कहा है ऐसे ऐसे कर दीजिए, मैंने कर दिया तो मेरा आंसर आ गया, बस कुछ भी नहीं करना है। चलिए देख लेते हैं, अब यहां पर दो हम छोड़कर दशमलव, यहां भी दो, लेकिन यहां पर भी दो बनाना पड़ेगा ऐसे, क्लियर है, जीरो लगा देंगे अपनी ओर से। अब दो अंक छोड़कर दशमलव, दो यहां भी, ये दशमलव हट जाते हैं आपस में, इक्वल अंक छोड़कर दशमलव है, रेशो में हट जाता है, जैसे रेशो रेशो में संख्या आपस में घट जाती है, तो दशमलव दशमलव भी आपस में हट जाता है। अब देखिए दशमलव हटेगा तीनों का आपस में, अब यहां पर मैं पांच से इसको डिवाइड करूंगा, पांच कम पांच, तीन हो गए 38, पांच सत्ते 35 और पांच छंग 30, ये हो गया पहला पॉइंट क्लियर, पांच से ये कटेगा, पांच दाई 50, पांच पंजे 25, क्लियर हो गया ये भी। इसके बाद ये भी कटिंग होगा, पांच कम पांच, चार पांच 48, पांच नम 45। चलिए अब देख लीजिए, यही हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया, लीजिए हो गया, मुझे क्वेश्चन ने बताया, मुझे क्वेश्चन ने बताया कि ऐसे ऐसे करो, मैंने कर दिया, क्वेश्चन का आंसर आ गया। देख लीजिए ये रहा हमारी क्वेश्चन का आंसर, ऑप्शन बी इज राइट आंसर, ये रहा हमारी क्वेश्चन का आंसर, ऐसे करना होगा आपको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी, ये भी इसमें भी क्वेश्चन खुद बता रहा है, ये कह रहा है लैंग्वेज में कि 800 का 45% का 20% बताओ, तो लीजिए मैं बता देता हूं, 800 का 45% का 20% बता देते हैं क्या है, परसेंट 20 से मैंने 20 काटा, 20 पंजे 100 और 5 9 45, 9 8 72 है, तो देखिए 72 ग्राम है ये, लीजिए बता दिया मैंने, ये ऑप्शन ए इज राइट आंसर, ये हो गया हमारे क्वेश्चन का आंसर, इजी तरीके से बिल्कुल क्वेश्चन की लैंग्वेज, और फिनिश कर दीजिए क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 7, देखो फ्रेंड्स आज आपको हम बताते हैं कि खतरनाक सॉल्यूशन कैसे होता है। देखिए इन क्वेश्चनों के माध्यम से आप समझ सकते हैं, जबरदस्त और बेस्ट सॉल्यूशन के साथ आपको सेकंडों में क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखने को मिलेगा, और बहुत ही जबरदस्त और लेटेस्ट टेक्निक से। अब देखिए वही तरीका है जो कि मैं आपको बार बार बताता हूँ, क्वेश्चन की लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल, और इसमें मुझे क्वेश्चन खुद बता देता है। देखिए क्वेश्चन स्वयं बोलता है, स्वयं बताता है क्वेश्चन, डेफिनेशन में देखिए क्या बोलता है, ऐसे ही मैं कर दूंगा क्वेश्चन फिनिश हो जाएगा। देखिए जैसे जैसे क्वेश्चन कहेगा ऐसे ऐसे मैं कर दूंगा क्वेश्चन फिनिश। देखो दो संख्याओं के बीच का अंतर 1140 है, उसने कहा दो संख्याओं के बीच का अंतर लिख दो 1140, लिख दिया मैंने, ये लिख दिया मैंने अंतर, दो संख्याओं के बीच का अंतर लिख दिया मैंने 1140। अब मैं परसेंट का अंतर लिख दूंगा क्योंकि उसने दिया है एक संख्या का 6% दूसरी संख्या के 10% के बराबर है, तो यहां पर दोनों संख्याओं का परसेंट का अंतर कितना है, ये 10% और ये 6%, दोनों का अंतर है 4%। लीजिए मुझे मालूम हो गया दोनों संख्याओं के बीच का अंतर 1140, यहां परसेंट का अंतर हो गया 4%, इक्वल टू इक्वल हो गया। पूछा है बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, बड़ी संख्या मुझे मालूम है 10% की वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है बड़ी संख्या, ये रहा बड़ी संख्या, से मल्टीपल कर देंगे बड़ी संख्या का मान आ जाएगा। चलिए देखिए परसेंट से मैंने परसेंट हटाया, 4 से मैंने काटा, 4 2 8 3 हो गए 34, 4 8 32, 2 4 5 20 कट गया पूरा, और ये 0 भी लगा दी मैंने यहाँ मल्टीपल में, तो हो गया हमारे क्वेश्चन का आंसर 2850। देखिए 2850 ये आ चुका ऑप्शन सी, ऐसे ही देखिए इसमें भी क्वेश्चन ही बोलता है अपने आप। देखो क्वेश्चन को समझो, क्वेश्चन स्वयं बताता है क्या क्या करना है, बस यही टैलेंट है, यही
तकनीकी है, यही रहस्य है मैथ का, इससे बढ़कर कुछ नहीं है दुनिया में। और तो कोई ट्रिक एक्स वाई जेड कुछ भी करते रहो, सब रट्टा मारने की जरूरत होगी, लेकिन इससे बेस्ट नहीं है। ये आप देख लीजिए, शाम आप पर मैथ एकदम आ जाएगा, बहुत आसानी से जल्दी आ जाएगा, चेक कर लीजिए आप। देखो, दो संख्याओं के बीच का अंतर बोला उसने, शुम बोला क्वेश्चन ने, दो संख्याओं के बीच का अंतर 760 है और एक संख्या का 12% दूरी संख्या के 20% के बराबर। तो यहां भी बोल रहा है एक संख्या का 12 दूरी का 20%, दोनों का अंतर हो गया हमारा 8%, हो गया इक्वल टू इक्वल अंतर बराबर अंतर। दोनों में बड़ी संख्या पूछी है, बड़ी संख्या 20% है, तो बड़ी संख्या का मान ज्ञात करना है। तो लीजिए, हो गया 4 5 20, 4 2 8, परसेंट से परसेंट हट गया, 2 से काटा, 2 3 6, 2 8 16 दिए 0, गुणा करेंगे देखिए 5 0 0, 5 8 40, 4 5 15, 4 19, ये आ गया 1900। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बन जाता है, बड़ी संख्या का मान है 1900। बहुत ईजी और बिल्कुल आसान सिंपल मेथड से आपके सामने देख लीजिए, ये होता है कितना आसान, ऐसे ही हो गए सभी क्वेश्चन, बहुत ईजी बेस्ट मेथड से। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 9, देखो क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ही जबरदस्त और इजी तरीके से आपके सामने क्वेश्चन कराया जाएगा। और क्वेश्चन बोलता है क्या करना है, देखिए क्वेश्चन बोलेगा, क्वेश्चन में कहा गया है कि किसी भिन्न के अंश में 12% की वृद्धि, वृद्धि कहे तो 100 में जोड़कर लिखते हैं, अंश में होता है ऊपर, अंश नीचे हर होता है, 12% की वृद्धि 112%, और उसके हर में 8% की कमी हो जाती है, तो 92% रह जाएगा नीचे, 100 में से 8 घटेगा तो 92% रह जाएगा, कमी हो जाती है तो एक नया भिन्न बनता है, यानी 16/17 का भिन्न बनता है। देखिए क्वेश्चन ने बोल दिया मुझे कैसे ऐसे कर दो, मैंने कर दिया, तो मूल भिन्न बताइए, चलिए परसेंट से परसेंट हटाया, 16 7 112, ब्रज गुणा करेंगे, इसको ऊपर ले जाएंगे और इसे नीचे ले आएंगे, 92/17 7 119 होता है, तो 92/119 ये हमारे क्वेश्चन का आंसर बन जाता है। देखिए ऑप्शन ए इज राइट आंसर, ये रहा हमारे क्वेश्चन का आंसर 92/119, फिनिश, ये हो गया क्वेश्चन का आंसर फिनिश। अब इसको देखते हैं 10 नंबर को, 2.4 मीटर का कितना परसेंट, 3.2 सेंटीमीटर है। देखिए सेंटीमीटर को मीटर में बनाएंगे, क्योंकि ये मीटर में है, इसको भी मीटर में बनाना होगा, तभी हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है। देखिए 2.4 का कितना प्रतिशत बराबर होगा 3.2, सेंटीमीटर है इसके बटे में 100 से भाग करेंगे मीटर हो जाएगा। अब देखो दशमलव से मैंने दशमलव हटाया, 8 3 24, 8 4 32, और भैया परसेंट से मैंने यहाँ पर 2 0 लगाई, तो 100 से मैंने 100 काटा, 4 को मैंने 3 से भाग किया, 4 को 3 से भाग, क्वेश्चन का आंसर आ गया 1/3, ये रहा हमारी क्वेश्चन का जवाब, 1/3%, ऑप्शन डी इज राइट आंसर, ये रहा फिनिश। क्वेश्चन नंबर 11, देखिए क्वेश्चन नंबर 11 बिल्कुल इजी और आसान करेंगे, 3600 का 50%, देखिए 3600 का 50% होता है 1/2 का 40%, 40/100 का 30%, 30/100 का 20%, ऐसे हमें इसके हल करना है। देखिए क्वेश्चन नहीं बताया है, ऐसे ऐसे लिख दीजिए, क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। देखो 2 0 से मैंने 2 0 काटा, और 2 से मैंने इसे 20 बार काटा, और 20 5 100, और 20 5 100 ये आ गया, और 5 6 30 ये आ गया। अब देखिए कैसे होता है ये, अब ये हो गया हमारा 6 और 36, 36 6 216 होता है बटे में 5 5 4 20, 5 3 15, 5 2 10, 43.2, देखिए 43.2 हमारे क्वेश्चन का आंसर आसानी से आ गया, ये रहा ऑप्शन डी इज राइट आंसर, ये रहा ऑप्शन डी इज राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर 11 का 43.2 है। अब हम ये वाला क्वेश्चन भी देखेंगे, देखिए 1700 का 33 से 1/3% होता है 1/3 गुणा 6 12 13/4 परसेंट का बटे में 2 0 का 1750
17 दून 34 रेख 35 बटे 2% की 20 का मान बताना। देखिए इसको हल करना है हमें, बस 20 से मैंने 20 काटा और ये होता है इतना 33 से 1/3। इसको देखते हैं क्या कंडीशन है यहाँ पर, 5 7 35 और 5 6 20 40 बार, ओहो ये 7200 है, ये 7200। 20 से तो मैंने 20 हटा रखी है, अब ये 7200 है हमारा, 4 3 12 6 72। अब और रह गया देखिए, 2 3 6 और 2 से 20 12। अब इसकी गुणा करेंगे देखो, 13 3 39 या 7 3 21 करेंगे देखो, 7 3 21 63 6 21 6 27 ये हो गया, और बटे में 20 से भाग, 2 1 2 2 3 देखो, 2 1 2 2 3 6 1 2 6 12 2 5 10 ये। अब 2 से मैंने इसे भाग किया ऐसे, अब 10 से इसको भाग करूँगा तो एक अंक आगे बढ़ जाएगा 13.65। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है 13.65। देखिए फिनिश हो गया, ये हो गया हमारे क्वेश्चन का आंसर 13.65। क्वेश्चन नंबर 13, देखिए क्वेश्चन ही बताता है कि क्वेश्चन में क्या करना है, क्वेश्चन की लैंग्वेज बोल रही है, कह रहा है कि ए का 20% बराबर बी है। देखिए इसने कहा है ए का 20% बी है, तो जब बी है तो बी की वैल्यू यहां पर भर देंगे, तो बी का 20% के बराबर बताना। तो देखिए यहां पर हम बी की वैल्यू यहां से भर देंगे, ए का 20% का 20% बराबर बताना है किसके। देखिए बस फिनिश, परसेंट से मैंने 20 काटी, अब लिखेंगे 2 2 4 4% ऑफ ए, इंग्लिश में लिख दीजिए 4% ऑफ ए। ये आ गया हमारे क्वेश्चन का आंसर इजी तरीके से, फिनिश क्वेश्चन का आंसर फिनिश, ये रहा खत्म, इतनी देर में क्वेश्चन फिनिश हो जाता है। ये वाला क्वेश्चन भी देंगे, किसी संख्या का 55% बटे में 100 का 15% बराबर है 2475 के, तो उस संख्या का 51% बता दो। चलिए 100 से 100 कट गया, 5 से 11 बार, 5 से इसको 20 बार, 5 24 5 3 15। अब इसको कटिंग करते हैं, देखिए 3 से मैंने इसको 17 बार काटा, 11 से इसको काटूंगा, 11 2 22 2 11 2 22 11 5 55 फिनिश। अब देखिए इसको हल कर सकते हैं, 225 चौका होता है 900, 2 चौका 8 25 चौक 100 900, 225 चौका 900 × 17 17 9 153 और 20 ये लगेगी। तो देखिए हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया 15300, ऑप्शन बी इज राइट। तो देखिए ऑप्शन बी इज राइट आंसर, ये रहा बहुत इजी, हर क्वेश्चन बिल्कुल आसान और इजी बना के दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, देखिए क्वेश्चन नंबर 15 बहुत ही जबरदस्त और बेस्ट तरीके से आपके सामने क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा। 360 का 200%, देखिए 360 का 200% का 150% का 40% का 30% का मान बताना। देखिए परसेंट से मैंने 20 काटी, इस परसेंट से ये 20 कट गई, अब इस परसेंट से मेरी ये 20 कट गई, अब 1% रह रहा है यहाँ पर, उसको भी देखेंगे। पहले हम गुणा करके देखते हैं क्या कंडीशन बनती है, परसेंट का बटे 100 ले लीजिए, 5 2 10 20 बार, 5 3 15 और 2 से मैंने इसको काटा 10 बार। अब देखिए गुणा कर लीजिए, बस देखो 3 चौक 12 36 और 36 की गुणा करेंगे 1296,
10 से भाग करेंगे, कितना आता है 1296 के बाद 6 के से पहले एक अंक, यानी 1296 को 10 से भाग करेंगे एक अंक छोड़कर दशमलव लगेगा। तो ये आ गया हमारे क्वेश्चन का आंसर। एक बार फिर देख लीजिए, 3 चौक 12 और 12 3 36 और 36 36 की गुणा होती है 1296, तो 36 36 की गुणा होती है 1296। ऑप्शन ए इज राइट आंसर, पीछे से एक अंक छोड़कर दशमलव लगेगा इसमें। तो ये वाला सवाल आपके लिए आसान इजी। तो अब हम इन क्वेश्चनों को भी देखते हैं क्या है। किसी संख्या का 3%, किसी संख्या का कोई नंबर ले लीजिए, छोड़िए, किसी संख्या का 3% 12 के 4%, 12 चौक 48 और 80 का 6% 8 संग 48 480% का योग बताओ। का योग बताना मुझे, देखिए इनको जोड़ लीजिए योग। ये हो गया है किसी संख्या का 3% बराबर हो गया 0 8 8 जोड़ूंगा 8 4 12 हासिल 1 528%। परसेंट से परसेंट कटा और 3 से काटूंगा, 3 * 3 = 21 3 * 6 = 18 176 आ गई वह संख्या हमारी 176। ये रहा हमारे क्वेश्चन का आंसर 176। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 17। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 बहुत ही अच्छे सॉल्यूशन के साथ आपको सिखाया जाएगा। जब किसी भिन्न के अंश में 25% की वृद्धि की जाती है, देखिए 25% की वृद्धि को लिख देंगे 5/4, ऐसे लिख सकते हैं हम, या 125/100 भी लिख सकते हैं ऐसे, तब भी वही आएगा 25 * 25 = 100 ऐसे। और हर बटे में आएगा 31 से 1/4% की वृद्धि की जाती है, तो 31 से 1/4% को कैसे लिखेंगे, 4 * 4 = 5 * 4 = 12 125/4% की 2 0 25 * 25 = 16 16 बार, यानी कि 16 में 5 जोड़ेंगे तो 21/16 वृद्धि हो गई है। ये लिख देंगे 16 में 5 जोड़ेंगे 21/16 ऐसे। ऊपर का अंश नीचे का हर, तो मूल भिन्न प्राप्त होती है 5, वो तो भिन्न 5/14 प्राप्त होती है, तो मूल भिन्न ज्ञात करो। चलिए देखिए, बाहर बाह्य पदों की गुणा भीतरी पदों की गुणा करेंगे, 16 * 5 = 80 / 21 = 84 = 5/14। अब इसको सही करेंगे, 14 * 6 = 84 5 से 16 बार 2 * 3 = 6 2 * 8 = 16 ब्रज गुणा इधर भेजेंगे इसको 8 इधर 3 और बटे में नीचे आ जाएगा ये 8, तो 3/8 मूल भिन्न है हमारी, 3/8 हमारी मूल भिन्न हो गई। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ये रहा जबरदस्त तरीका। अब हम इसको देखते हैं और इजी बनाएंगे इसको भी। 410 का 20% 410 का 20% परसेंट से 2 0 काटें बराबर 520 का 40% से, मतलब ये वाली संख्या इससे एक्स परसेंट कम है, तो चलिए देखिए परसेंट से मैंने 2 0 काटा, ये माइनस इधर आ जाएगा, एक्स परसेंट प्लस का हो जाएगा ये, और 4 * 2 = 8 4 * 5 = 20 208 और ये इधर आकर घट जाएगा 41 * 2 = 82 तो एक्स परसेंट बराबर हो गया 208 में से 82 घटाएंगे 126 परसेंट की 2 0 लगाएंगे तो एक्स का मान आ गया 12600। ऑप्शन ए इज राइट आंसर 12600। ये रहा हमारे क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 19। देखिए क्वेश्चन नंबर 19, x - y का 60% बराबर है x + y का 45%। ये वाला पहले इसको हल करेंगे, 15 * 4 = 60 15 * 3 = 45 3x यहाँ 4x है, 4x में से 3x उधर घटाएंगे 1x बराबर 3y है और माइनस के 4y इधर ले जाके जोड़ेंगे 60y, तो x का मान 7 y का मान 1। अब यहाँ पर एंट्री भरेंगे y बराबर x का k%
तो y का वैल्यू है यहाँ पर 1, x का है 7 और का k परसेंट, ये रहा। अब परसेंट की वैल्यू क्या करेंगे, इधर परसेंट को हम इधर रख लेंगे ऐसे, परसेंट की 2 जीरो, 100/7 बराबर के, ये आ गया। अब के का मान इसमें पुट करेंगे जो हमसे पूछा है, तो के का 49% बताना। के की वैल्यू हो गई 100/7 गुणा 49%, परसेंट से मैंने काटा 2 जीरो, 7 × 7 49 आ गया। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर आता है, ऑप्शन सी इज राइट आंसर, के, के का मान 7, मतलब के का 40% बैठा है 7, यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है। ए का क्वेश्चन नंबर 18, ए का नहीं क्वेश्चन नंबर 20 है ये, क्योंकि 19 ये 20 है। ए का 50%, ए का 50% हो गया आधा, बराबर है बी का 80%, बी का 80% होता है 4/5, बराबर है आपस में, तो ए व बी का अनुपात बताए। देखिए 4 नीचे आ जाएगा यहाँ बरज गुणा में, तो ए के बटे में आ जाएगा 8 बराबर बी के बटे में रहेगा 5। तो यहाँ पर हमें ए और बी का रेशो डायरेक्ट बता देंगे, बटे का मान अपना 8:5, तो ए व बी का रेशो आ गया 8:5, 8:5 का अनुपात आ गया ऑप्शन बी। देखिए ऑप्शन डी इज राइट आंसर, ये रहा हमारा 8:5 का रेशो। तो क्वेश्चन नंबर 20 तक मैंने परसेंट से रिलेटेड सभी क्वेश्चनों का सॉल्यूशन किया है, क्वेश्चन नंबर 1 से 20 तक, और इस नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 21 से आगे जितने भी क्वेश्चन होंगे वे कराएंगे। तो फ्रेंड्स वीडियो को देखते रहिए और आप खतरनाक सॉल्यूशन सीखिए, आपको जबरदस्त और खतरनाक सॉल्यूशन ही मिलेंगे।